हमने अपनी खबरों में बताया था, बैलपुरी में थाना बेवर क्षेत्र के नवीनगंज में खाद व्यापारी राधाराम से पिछले 12 तारीख से लापता है। व्यापारी की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद बेवर और नवीनगंज पुलिस शुक्रवार को खुलते सुराग ढूंढती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं। बुधवार की रात राधाराम अपने घर से आलू मंडी में तनादा करने को निकले। कोई सुराग न लगने पर व्यापारी लोग आक्रोशित हो गए और अपनी दुकानें बंद कर नवीनगंज चौकी का त्याग किया। मौके पर सीओ भोगांव प्रियांक जैन और एसओ बेवर ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जल्द से जल्द सुराग मिलने का आश्वासन दिया। मैनपुर से हमारे संवाददाता मोहित तिवारी से बात करते सीओ प्रियांक जैन। हमने एक दो लोगों को इसके लिए उठाया भी है, उनसे जांच और पूछताछ भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द पता लग जाएगा कि समय व्यक्ति कहाँ पर है, कैसे वहाँ। सर, 4 दिन हो गए, पुलिस बिल्कुल नाकाम है, कोई किसी तरीके से जांच नहीं हुई, परिवारीजन परेशान है, इतनी भीड़ गुस्साई है। आप आए मौके पर, आपने देखा ये क्या स्थिति है? 4 दिन तो नहीं हुए हैं, 13 तारीख को हमें रिपोर्ट मिली थी इसकी, और जैसे जैसे हमने पता किया है, दरअसल हमें तथ्यों का सही पता बताया नहीं गया, वो धीमे धीमे करके कई बार पूछताछ करने के बाद हमें तथ्य मालूम पड़ रहे हैं। इसके लिए हमने संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ भी की है, जिन व्यक्तियों पर इन्हें शक है उनसे हमने पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया, उनसे बातचीत कर रहे हैं और नए नए तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि हम इस बात की बिल्कुल सच्चाई से पता लगा लेंगे ताकि ये बात हुई तो क्यों। सर, क्या मानते हैं कोई घटना घटित हो सकती है या क्या आशंका जताई जा रही है? नहीं, आशंका तो हमें अच्छी ही लगेगी कि भाई ऐसा कुछ ना हो जो किसी के लिए गलत हो। उम्मीद है कि महोदय सकुशल वापस आएंगे और हम लोग इसी के लिए प्रयासरत हैं, हमारे कप्तान साहब, अफर साहब, सर्विलांस टीम, सभी लोग लगे हुए हैं, दिशा निर्देश हम लोगों के साथ हैं, किसी भी तरीके से व्यक्ति को सकुशल वापस लाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मीडिया से बात करते राजीव शाह के व्यापारी। क्या है सुरेश? क्या मामला है, क्या पकड़ है? पूरा पकड़ा है, पकड़ हुई रात 9 बजे रात 12 तारीख जी। जिनकी पकड़ हुई है या गुमशुदा व्यक्ति हुए हैं, नाम क्या है उनका? राधाराम जी। तो ये इसी मामले में आप दुकानें बंद किए हुए हैं? दुकान बंद है जी, काम हो रहा है जी। आगे क्या कार्रवाई की उम्मीद है आपको? होनी चाहिए था, पकड़े चाहिए, पकड़ हो या कभी होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। एक अंतर देशों के डेलीगेटों का हुआ भव्य स्वागत, जिन्हें प्रयागराज के बकरौली एयरपोर्ट पहुंचे 71 देशों के डेलीगेट। माननीय स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया उनका स्वागत, गाजे बाजे के साथ पहुंचे एयरपोर्ट में। संगम तट 6 लग्जरी बसों से दुनिया के 71 देशों के राजनय कुंभ मेले के ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए पहुंचे थे। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के साथ संगम में गंगा पूजन के साथ कुंभ की तैयारियों से हो गए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की। जैसे आज मिर्जा मुराद थाने पर समाधान दिवस है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं अपने अपने समस्याओं को लेकर, उसका निराकरण किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। सही है तो देख तुम फर्स्ट क्लास हो कि एक मिनट कर रोहनिया खत्म हो गया। समाधान दिवस का आयोजन, जी हां, प्रयागराज के हंडिया कोतवाली परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली हंडिया अनिल कुमार सिंह समाधान दिवस का कमान संभाले हुए हैं। उनके साथ उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह यादव, संतोष सिंह चौकी इंचार्ज बरौद समेत लेखपाल कानून को आदि मौजूद रहे, लेकिन तहसील के उच्च अधिकारी समाधान दिवस पर नदारद रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की। सर, वो जब जा जा करके वो हमारी माता जी हैं, हम लोग तो रहते नहीं, माता जी हैं, 2 बार भी तो प्रेम हम लगी हुआ। विकास की बढ़ती चाल, जी हां, आजमगढ़ के देवगांव में ग्राम प्रधान शशि कुमार ने बताया कि हमारे यहां शौचालय का काम 65%
आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की। जी बताइए, आपका शुभ नाम। ये आपका शौचालय का काम क्या परसेंट हुआ है यहाँ पे? हमारे यहाँ 65% हो गया है। अच्छा, आवास कितना बनवाया आपने? एक बनवाए हैं। और ये कितना भेजे हुए हैं? हम भेजे हैं 30 भेजे हैं जी। अभी फेडिंग का काम चल रहा है। अच्छा, और ये खड़ंजा क्या हुआ? खड़ंजा के कुछ बना हुआ है? खड़ंजा इस वित्तीय वर्ष में भी खड़ंजा का कोई काम नहीं है। अभी कोई काम नहीं हो रहा? खड़ंजा का कोई मतलब काम इस वित्तीय वर्ष में नहीं। अच्छा, तो इसका प्रस्ताव सब भेजे हैं? प्रस्ताव भेजे। अच्छा, और ये नाली वाली का? नाली निर्माण का कार्य चल रहा है। अच्छा, उसका कार्य चल रहा अभी। और ये जितने बन रहे हैं शौचालय, आपके सब मानक से बन रहे हैं ना? मानक में बने कुछ शौचालय हैं, जैसे जिसके पास जगह का अभाव था। हाँ, वो कुछ बने बेमानक से हैं। लगभग में प्रयास यही है कि मतलब कि अधिक से अधिक बने गवर्नमेंट के मंशा के साथ मानक पर ही बनवाया जाए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला आगे फास्ट न्यूज़ इंडिया पर ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन आप ये जरूर बने रखिए फास्ट न्यूज़।